हीरो और होंडा ये दोनों कंपनियां अलग क्यों हो गई चलो जानते हैं। 1984 में इंडिया में बाइक्स नहीं थी और सिर्फ स्कूटर बिकते थे। तब इंडिया की हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और जापान की होंडा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी थी। हीरो कंपनी को इंजन ही बनाना आता था, इसलिए इन दोनों कंपनीज ने एक डील की जिसमें ये फाइनल हुआ कि हीरो कंपनी बाइक्स की बॉडी बनाएगी और होंडा कंपनी बाइक्स के इंजन बनाएगी। फिर इन्होंने अपनी बाइक सीडी से लॉन्च कर दी। ये बाइक स्कूटर से सस्ती थी और इसकी माइलेज ज्यादा थी, और मेरे जैसा जो इंसान इस बाइक को चलाता था उस पे लड़कियां दीवानी हो जाती थी। इससे ये बाइक हिट हो गई और हीरो होंडा कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद में हीरो कंपनी ने होंडा कंपनी से जापान के अंदर अपनी बाइक बेचने की रिक्वेस्ट की, लेकिन होंडा कंपनी ने मना कर दिया। पर होंडा कंपनी ने हीरो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन चुराई और इसकी मदद से हीरो होंडा जैसी सेम बाइक सस्ते प्राइस में इंडिया में लॉन्च कर दी। इससे हीरो कंपनी बर्बाद होने लग गई और इसी वजह से दोनों कंपनी अलग हुई।